चुनाव आते हैं तो नेता वोटरों से नजदीकी दिखाने के लिए तमाम जतन करने लगते हैं। उनके परिवार, समुदाय, क्षेत्र या राज्य का अपनापन दिखाकर और बाहरी का नैरेटिव सेट किया जाता है। ऐसे ही एक बयान पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घिर गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व करते हुए खुद को उत्तर प्रदेश की बेटी बताती हैं, लेकिन पंजाब में घुसने के बाद उनका नजरिया बदल जाता है। पंजाब में पहुंचकर उनके लिए बिहार और यूपी के लोग बाहरी हो जाते हैं, वह उनके मजाक में साझेदार बन जाती है। पंजाब में जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ घृणा बढ़ाने वाली बात कर रहे थे, उन्हें प्रदेश से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, तब प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी टिप्पणी का समर्थन करती नजर आई। बता दें कि 15 फरवरी को चन्नी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के रोपड़ में एक रैली को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान चन्नी ने पंजाब में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई और उन्हें राज्य से बाहर निकालने का आह्वान किया। दिलचस्प बात यह है कि जब वह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ नफरत का प्रचार कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी उनके बयान पर तालियां बजा रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वाले को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़वा कर। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, वोटिंग एक ही चरणों में होगी, परिणाम 10 मार्च को आएंगे।